चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। अच्छा ये इधर ऐसे होता है। अच्छा ठीक है। तो गाइस आज हमारा डे 9 चल रहा है शायद से। तो आज हमारा एक मुख्य टारगेट यह है कि हम लोग आज एक आयरन फार्म बनाने वाले हैं, आयरन फार्म फाइनली, ताकि हमें आयरन की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। और हमारे पास आयरन की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसके लिए हम अभी आयरन फार्म बनाने वाले हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को, इस वीडियो को। और अगर आज नहीं भी बन पाया तो उसके लिए सॉरी, हम कल के लिए बना लेंगे। आज आधा बन जाएगा तो बन जाएगा, या फिर आज सुबह ही बना लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, हम पूरा ही बनाएंगे उसे। ठीक है तो चलिए काम पे लगते हैं। हाँ ठीक है, पहले चेक करते हैं हमारे पास कितना आयरन अभी अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम थोड़ा आयरन का फार्म बनाना स्टार्ट करेंगे। आयरन के फार्म के लिए भी थोड़े बहुत आयरन तो लगते हैं यार, हॉपर वगैरह बनाने के लिए। 4 है आयरन अपने सभी खिलाने के लिए, 4 से क्या ही हो जाएगा। हॉपर बनाने के लिए कितना लगता है, एक कितना लगता है, इसका यूज़ होता है तो अच्छा है वो। 2 4 5, अरे 5 का लगेगा, 5 लगेंगे ना, तो कहीं से लाना पड़ेगा थोड़ा और आयरन, टाइम में तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कुछ करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा आयरन लेके आता हूँ यार। ओहो यहाँ पे तो पहले से हमारे स्वागत के लिए बैठा है भाई साहब। हे माँ माता जी, ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है, आ जा। ज्यादा हीरो बनना साले। ये लेके आता हूँ मैं आयरन, कोई मिले कोई लेके जाते, कोई बात नहीं यार। बट आयरन का फार्म यहाँ पे बनना ही नहीं सकता मैं, विलेजर को बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। उस तरह बना सकता हूँ मैं शायद से, जोड़ के उस तरह, आई मीन फुल के उस तरह। देखते हैं। हाँ वहाँ बन सकता है, वहाँ तक ब्रिज बनाना पड़ेगा उसके लिए। बट कोबल स्टोन का ब्रिज बनाओ क्या, देखते हैं अगर बनेगा तो। बहुत ज़्यादा तो ना पड़ेगा है, कानपुर के पर्दे हट जाएंगे मेरे, आई मीन पड़ जाएंगे। थोड़ा गाने सुनते हुए करता हूँ मैं काम, मैं तो आवाज़ के मारे मर जाऊँगा मैं इधर। चलो ये बनाता हूँ मैं, क्या कहते हैं उसको, बोट। 1 2 3, तीन विलेजर ले जाना है तो 3 बोट रखेंगे ना। हाँ तो गाइस अभी हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, विलेजर लोग को वहाँ पे जल्दी से उठाने का। तो यहाँ पे अपना गेम वापस आ चुका है, मैंने चेक कर लिया कैसे क्या करना है अपने मेथड। हम पहले थोड़ा डर्ट प्लेसिंग करते हैं। यहाँ पे कंपोस्टर रहेगा, यहाँ पे रहेगा अपना जॉम्बी वाई साहब। ठीक है बनाता है इसको। इसके बाद क्या करना था, ये तो मैं आएंगे अपने बेड, यहाँ पे खाली रखना है, यहाँ पे कंपोस्टर रहेगा, रहेगा जॉम्बी।
जाते हैं। पहले तो मैं थोड़ा बैटरी वगैरह इधर ही लेके आता हूँ, सुबह ला लूंगा सारे विलेजर्स को इधर पे। सारे तो नहीं बट पता नहीं कितने, दो या जो भी लाने में मैं समर्थ हो पाऊंगा उसको लेके आएंगे। पर चाइल्ड वाले बच्चे का एक प्रॉब्लम है, आई मीन विलेजर का एक प्रॉब्लम है, चाइल्ड क्या है नीचे से निकल सकता है, फिर वो जॉम्बी लोग उसको अटैक कर देंगे। एक ब्लॉक से निकल जाएगा ना बच्चा अगर से रहा तो, उसमें थोड़ा एक ब्लॉक का प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे एक ब्लॉक ओपन रहेगा उसमें। हाँ मैंने शुरू कर दिया, ठीक है मैं जब तक के बकेट बनाता हूँ जिसमें लावा लेके आएंगे हम। मैदान साफ है क्या पहले चेक कर लेते हैं, उधर पे जाके पहले बेल्ट लगा देता हूँ। नाइट तक उनको उधर शिफ्ट कराना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक गया बेड अपना भी लेके जाऊँगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन पॉइंट मेरा रिसेट तो नहीं हो गया, तो भी लेके इसको इधर डाल देता हूँ। फिलहाल जरूरत नहीं है अभी, जरूरत नहीं। हाँ अब फुटपाथ के नीचे अब देखना मेरा दिमाग, ठीक है जैसे वो इस बोर्ड से उतर के उसमें बैठने की कोशिश करेगा वो फंस जाएगा। दिमाग तो बढ़िया लगा है मैं। अरे यहाँ का पानी थोड़ा बहाव सही नहीं है क्या इसके लिए? अब ऐसे तो जाना भी नहीं हो रहा है यहाँ से तो। हाँ ये चल रहा है, निकलेगा नहीं तो वही मरेगा। मुझे क्या है, मैं दूसरा लड़का हूँ, क्या कर लेगा इधर। अबे देखो अभी जाके बैठना है यहाँ पे, अभी करना पड़ेगा नहीं तो इधर ही मर जाएगा साले। मैं तो बच जाऊँगा, ये ना बच लेगा। लीवर को यहाँ लगा दिया, अब कुछ मैंने लिख ही नहीं आया था क्या? उत्तर उत्तर ऐसा कुछ विलेजर लोग आज के बोल के बहुत चालाक है ऐसे। इधर ही रहेगा अब तो बेटा, अपना छोड़ रहा तू। मैं भी क्यों नहीं जा पा रहा,
नाइस अब आएगा मैं सीधा आऊंगा मैं पहली बार लेटा और मेरे बन के रहता है काम मेरे को समझ मैं ऊपर के जो ग्रास है उठाता हूं तो इससे क्या मतलब क्या हो जाता है क्योंकि ये सारा अपने को लेके जाता उधर नहीं आता ऊपर क्या करना अंदर पानी सकते ना विलेजर को प्रॉब्लम हुआ बैठ बैठ वहाँ बैठ इधर आई मीन कॉपरेट इधर जब तो नहीं लिखा जाता वैसे इसको मैं ये बना दूंगा कंपन सेटल धारी देखो मेरा दिमाग खेता इस मैं इसको वही वाले बोर्ड में बिठाता हूँ ना क्या बोर्ड करके बोर्ड वेस्ट करके मतलब नहीं छुट 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 बैठ 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 हाँ नाइस चलो अभी प्लान तो फॉलो हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग कुछ और अनिश्चित ना हो तो सही बात हो जाए क्या करना है लेके आता हूँ रिकॉर्ड तो हो रहा है ना इतनी मेहनत कर रहा रिकॉर्ड होना चाहिए हो रहा है हो रहा हो रहा वहाँ से कुछ चढ़ना जाए हाँ तो गाइस हमारा काम काफ़ी जोरों शोरों पे है अपना जो आयरन फार्म बनाने का है अपने वर्ल्ड के लिए तो अभी हमने क्या किया है हाँ तो गाइस हमारा काम जोरों शोरों पे है तो अपना आयरन फार्म बनाने के लिए और अभी हमने क्या है तीनों विलेजर्स को मैंने उसमें अंदर उछाड़ दिया है कैसे भी करके तो हाँ ये बात अच्छी हो गई अपने लिए कि अपन ने सारे सोल अपना क्या कहते हैं विलेजर्स लोगों को अंदर डाल दिया है ग्राइंड स्टोन क्यों है मेरे पास ओके इसको रख देते इसको भी रख देते हाँ तो मैं क्या कह रहा था कंपोस्टर को भी दे रख देते एक दो एक हाँ ये चाहिए अपने को थोड़ा और ओक साइन इसका अपने को काम पड़ेगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अपना ठीक है कागल स्टोन लगेंगे थोड़े ज़्यादा गाइज अभी हमारा थोड़ा जो आयरन फार्म है ना बनने की ऑलमोस्ट करीब है ऑलमोस्ट करीब है ज़्यादा करीब भी नहीं बोल सकते बट है थोड़ा करीब है एक दो तीन चार अच्छा चार फिर उसके बाद क्या करने का था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है हाँ सर ठीक है ठीक है आठ मे को ऑक्साइन लगने वाला है दिशा में मैं जाके थोड़ा लावा के एक बकेट उठा के लाता उधर से मेरे पास क्योंकि लावा अभी हाल फिलहाल में नहीं है बिल्कुल भी नहीं अच्छा पानी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है गिरना मैं जॉम्बी का क्या स्मगलिंग उधर कर दूंगा इधर उधर कर दूंगा इसको इधर तैयारी है थोड़ा स्केयरी थिंग है तो इसको थोड़ा अलग रखते हैं हॉट स्टफ क्या रहा नीचे चलो देखते हैं जल्दी से जाते हैं अरे भाई पानी में मत गिर जाओ अरे जो नहीं बोलता है वही होता है इस गेम में आने क्यों हाँ वैसे मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा जॉम्बी को मेरे को सही जगह पे लगाना पड़ेगा यार बट बड़ा ही मुश्किल काम है तो यहाँ किया है अबे ओए ऊपर मत आना अरे यार ये तो मेरी गया क्या ढीला जाम था भाई क्या करूँ मेटी में देखते अगर बनेगा कुछ तो प्लेटफॉर्म बनेगा एक दो चार पाँच यही तो बना अंदर चार तक की जगह चाहिए ना अपने को हाँ चार तक चाहिए ऐसे भी तीन एक दो तीन चार वॉल्स बनाते हैं अरे बाप रे
वॉल्स लगा देते हैं, ठीक है। ये जो अभी लोग आए जा रहे भाई, सब कर रहे हैं, क्या करें। एक दो तीन चार, चार सही है। लैडर लगता है किस पे? नौ हो गया, एक दो तीन चार, हमारे हिसाब से चार ही होना चाहिए यहाँ पे। एक उड़ाना पड़ेगा, एक दो तीन, मैं हॉपर भी मैंने फेंक के आ गया, बेवकूफ बना एक नंबर का मैं। एक बार कुछ डाल के देखता हूँ उसमें जाता है क्या, जा रहा है। एक नंबर देखा है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड ऐसा लगाना है, एक लग गया, दो तीन चार, एक एक ये भी लग गया, ऐसे ही था बनाया हमने डिजाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर से भागने के लिए पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा, बंदोबस्त भागने के लिए जुगाड़ है ना हमारे पास। चलो वापस नाइट हो रही, अच्छी बात है। यहाँ पे एक बकेट जाएगा, भाई मैं नहीं जाऊंगा, इधर मर जाऊंगा मैं कुत्ते के मत। मैं बैरिकेड बना देता ताकि कुछ ना मेरे जब मैं जाऊंगा अंदर तड़पा रहा हूँ, तो कोई ना मुझे प्रेशर करने का तड़पा नहीं, पता नहीं मुझे, बट देखते हैं। सोचिए मैं पता हुई बैठे थे, और बड़े जॉब मिल रही है, गेट बनाओ, गेट एक दो, गेट चार, गेट जॉब बनाने ना, समझो आप ही बनाता हूँ जॉब के बारे में। अब मैंने चार को बनाया था ना, गेट का अलग अलग क्यों गया कभी यहाँ, इसके एकदम सीधे में रहते हैं इधर से। Where are you my friend zombie? Where are you my friend zombie? इधर लगा दूंगा फिर तुरंत जाऊंगा यहाँ से, डर एक लगा दूंगा यहाँ पे।
अब ज़ॉम्बी के वेट करना पड़ेगा बस। अबे ये तो बढ़िया आसरा है यहाँ पे चढ़ के आके आने के लिए। इस बार सफल हो जाएगा काम तो मजा आ जाए। भाई इसके बाद ओपन आ रहा है। अबे तू ये गलत जगह स्पॉन हो गया बट ठीक है। ठोकेगा वो लोगों को। गाइस इसके साथ हमारा आयरन गोलम फार्म तो रेडी है थोड़ा बहुत, तो फुली तरह कंप्लीट करने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पूरी जमीन को नग्न करना पड़ेगा अपने मेरे से। मेरे साथ ना स्पॉन हो साला है। थैंक यू फॉर कितना आयरन 8 8 बैड। देखते हैं अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ ना जल्दी जल्दी। इधर भी क्लियर कर देता हूँ। रिस्क नहीं लेना है भाई मुझे, ऊपर ही स्पॉन होना चाहिए हमारे गोल्स होपफुली। कोई स्पॉन तो हुआ है वैसे ऊपर, वो मरा या नहीं मरा वो पता नहीं। मैं 2-3 सवाल बनाया था हम। पर जाके देखता हूँ घर से मर रहा है कि नहीं मर रहा, चेक करने के लिए। मर रहा है, मर रहा है भाई। देखो गाइस हमारा आयरन गोलम फार्म वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, उधर पे आयरन गोलम जाके मर रहा है। हाँ यहाँ अभी से मैं 5 मिनट के लिए ऑफलाइन होके जा रहा हूँ गाइस, देखते हैं कितने हमको आयरन आयरन मिलता है इस अपने काम में से। कि हाँ 56 हो गए, बहुत ज़्यादा है। चल रहा है काम, चल रहा है। हाँ मेरे ख्याल से मैं वहाँ जाके ऑफलाइन हो जाऊँगा 1-2 घंटे के लिए, फिर देखते कितने मिलते हैं अपने को। तो गाइस ये तो ये बन गया हमारा फाइनली आज डे 9 के दिन अपना आयरन फार्म।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी बड़ी थी मुझे पता है, पर क्या करूँ मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है ये भी आयरन फार्म बनाने का, आपको बता ही हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए विलेजर्स वगैरह लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है यार, और मुझे इतनी मेहनत लगी है विलेजर और ज़ॉम्बी लाने के लिए, आपको बता नहीं सकता यार मैं, और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट किया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्ट हटा के आपको दिखाया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल में ना तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, अगले नए नए कुछ फॉर्म वगैरह बनाते हुए, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। मैं अभी और वैसे मैं अभी कुछ देर बाद यहाँ पे 1-2 घंटे ऑफलाइन करके देखता हूँ कितने मेरे को आयरन्स मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको कल अगर से वीडियो डालूंगा तो बता दूंगा।